हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ स्विंग मशीन। आज मैं आपको बताऊंगा उषा मारोले का फुल डेमो, जिसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको फुल डेमो बताऊंगा। तो आप देख सकते हो उषा का मारोला मॉडल पिंक वाला, बीच में हम आपको दिखाएंगे स्टार्टिंग से डेमो। सबसे पहले ये देखिए एक्सटेंशन बॉक्स जो आगे आता है, यहाँ पे दिया हुआ एक्सटेंशन बॉक्स, इसे इजीली ओपन करना तो लेफ्ट साइड खींचना है। और ये आएगा शटल पोर्शन, देखिए ये है आपका शटल पोर्शन। यहाँ पे इस पूरा शटल जैसे बॉबिन भर के डालते हैं, वो शटल पोर्शन है। अभी सबसे पहले हमें बॉबिन कैसे निकाला, बॉबिन बहुत सारी लोगों को तकलीफ होती है बॉबिन निकालने में, तो देखिए यहाँ पे एक बॉबिन कैसे क्लिप होती है, इसे खींच के सिर्फ इजीली निकालना है, निकल जाता है। और इसके अंदर जो यूज होती है वो प्लास्टिक की बॉबिन यूज होती है, हमेशा आपको यही यूज करना है, स्टील की कोई बॉबिन आपको यूज करना नहीं है। ये मार्केट में आपको इजी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, अभी हम थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेडिंग से पीछे यहाँ पे स्क्रू पिन दिया हुआ है, इसे स्क्रू पिन कहा जाता है, ये अप डाउन होता है, इसके अंदर थ्रेड रखने के लिए यूज होता है। यहाँ पे रख दिया, अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे एक लीवर दिया है यूटर्न का, उसके अंदर से थ्रेड आपको यूटर्न करना है। और यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है जहाँ से हमें थ्रेड को यूटर्न करना है, ओनली वन टाइम, सिर्फ इजीली इस स्क्रू के नीचे जाना चाहिए। बराबर, इस जाने के बाद बॉबिन में हम थोड़ा सा अगर रिवाइंड कर लेंगे, जो प्लास्टिक की बॉबिन दी हुई है उसमें रिवाइंड करके बॉबिन को इस बॉबिन वाइंडर के अंदर प्रेस करना है इजीली। हो गया, अभी इसे बॉबिन वाइंडर को राइट साइड क्लिक करना है, क्लिक हो गया। और ये जो बैलेंस व्हील है जो नीडल अप डाउन करने के लिए यूज होता है, उसे धीरे से बाहर खींचना है। खींच लिया, उसे खींचने के बाद आपका जो ये सुई का यूनिट है ये स्टॉप हो जाएगा, जो ये पोर्शन होता है ना नीडल बार का, वो स्टॉप हो जाएगा, ओनली बॉबिन वाइंडर घूमेगा। ये देखिए ये बॉबिन वाइंडर स्टार्ट हो गया, देखिए ये यूनिट देखिए ये पूरा स्टॉप ही है, सिर्फ बॉबिन वाइंडर ही हो रहा है, आपको साउंड आ रहा है, ओनली बॉबिन वाइंडर ही घूम रहा है। ओके, अभी जो प्रोसेस हमने की थी उसे रिवर्स करना है, व्हील को आपको अंदर साइड पुश करना है, बॉबिन को भी राइट साइड क्लिक करना है, निकल गया। ओके, अभी हमें बॉबिन को फिट करना होता है, यहाँ पे एक क्लिप दी होती है, ये जो खांचा दिया होता है ये बॉबिन वाइंडर का रॉड है। बराबर, इसको इसके अंदर क्लिक करके पुश करना है, टक, ये फिट हो गया। बीच बॉक्स क्लिक कर देते और ये एक्सटेंशन भी पैक कर देते। इसके बाद आप थ्रेडिंग करना हो, थ्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, जैसे हम धागा डालते हैं फर्स्ट, फिर ये जो थ्रेड टेंशन का बटन है वहाँ से नीचे आके, फिर यहाँ पे एक यू टर्न का पोर्शन दिया हुआ है, ये यू टर्न से यहाँ पे थ्रेड को यू टर्न। अभी कभी कभी टेकअप लेवल आपको ना दिखे तो ये व्हील को घुमा कर टेकअप लेवल को आप अप कर सकते हो, यहाँ से फिर ये यू टर्न हो गया। अब सीधा आपको सुई के अंदर फोर स्टेप में यूज करना है, ये फर्स्ट यहाँ से आएगा, सेकंड यहाँ से यू टर्न, थर्ड में टेकअप लेवल से यू टर्न, और फोर्थ में सीधा नीडल के अंदर। नीडल के अंदर डालने के बाद स्ट्रेट आपको नीडल के अंदर आएगा, और नीचे का धागा निकालना हो, बॉबिन का धागा ऊपर लाना हो तो इसे पकड़ के नीडल को घुमाओगे तो अपने आप धागा ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, अब हम आपको बताएंगे वर्क के स्टिच कर कैसे करें और क्या क्या स्टिच होता है वो सब बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से लेके जे तक अल्फाबेट्स लिखे हुए, सारे अल्फाबेट पे अलग टाइप की स्टिचेस और डिजाइन दी हुई है। जो भी स्टिच आपको करनी है इस सिलेक्टर नॉब से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपने ए लिया, ए पे सादी सिलाई, बी सी और डी पे सब डिजाइन पैटर्न, बी ए पे हम लोग रेगुलर सादी सिलाई चलाते हैं, ये स्टार्ट, ये है रेगुलर सादी सिलाई, ये छोटी वाली है, अगर थोड़ी बड़ी चाहिए तो बी ओ को यूज करो। ये रेगुलर सिलाई, अभी देखिए ई पे डिजाइन दिए जिगजैग, तो आप ये जिगजैग यूज कर सकते हो, जिस तरह पैटर्न का यूज करना है पैटर्न यूज कर सकते हो, बस कपड़े को गाइड करना है कि डिजाइन स्ट्रेट जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी को इसके से जा रही है आपको। ये एकदम नॉर्मल डेमो है, आपको इजी वर्क कैसे चालू करना है, क्योंकि लोग परचेस करने के बाद चालू नहीं कर पाते, डेमो के बाद इसके डेमो टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए आप खुद ही इस वीडियो को देख के आप अपना मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन, बस अल्फाबेट इस पॉइंट पे सिलेक्ट करो, अपने आप डिजाइन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हो गया ये पैटर्न, तो यहाँ से कोई भी पैटर्न आपको खरीद करना हो तो ये पैटर्न यूज कर सकते हो। बराबर, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन में अगर बटन लगाना हो तो बटन कैसे लगाते हैं। बटन लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये फुट जो लगा हुआ है इसे निकालना होता है, इसे निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक स्क्रू पिन दी हुई है, स्क्रू पिन दी हुई है, इस स्क्रू पिन को आप अंदर के साइड क्लिक करोगे, उस नीचे वाला जो फुट है वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। ये देखिए ये गिर गया, मतलब ये निकल गया। अब आप हमें दूसरा फुट यूज करना है गाज के लिए, तो ये जो एक्सटेंशन बॉक्स है इसके अंदर आप एक्सेसरीज होती है, ये आप निकल के चेक कर, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो अटैचमेंट रखे हुए हैं, ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट को आप बटन के लिए यूज करना होता है, तो इस पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, एक
दो और तीन, ये तीन पॉइंट है जो इस प्लेट को, इस स्टील वाली प्लेट पर अटैच करना है। तो यहाँ पे भी एक दो और तीन, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये पीछे की साइड जाएगा, गया। फिर इस प्लेट को हमें प्रेस करना, ये फिट हो गए। फिट होने के बाद आपको ये नीचे का जो धागा है इसे भी ऊपर लेना है, ये कंपलसरी लेना ही होता है, नहीं तो बटन लगेगा नहीं। और ये जो एक अटैचमेंट है दूसरा, ये दूसरे अटैचमेंट को आपको फिट करना है। और ये जो ब्लू पोर्शन आता है ये अपने आगे की साइड आएगा, इसे यहाँ पे रखा, अंदर ले गए और नीचे लिफ्टर को डाउन। अब बटन लगाना हो तो बटन लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन सेट करनी है, जैसे कि ये डिजाइन सेट कर लिया आपने, या फिर थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी यूज़ कर सकते हो। और बड़ी यूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि निडल की जो पोजिशन है ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में रहेगी तो ही आपका बटन सही से लग पाएगा, नहीं तो बटन आपका लगेगा नहीं। अभी यहाँ पे देखिए ये कपड़ा रखा, अभी इसमें कितने होल है बटन में, 4 होल है बराबर। तो सबसे पहले आपको निडल जो है वो लेफ्ट हैंड में डालनी है, लिफ्टर को आप कीजिए बटन को अंदर। सबसे पहले धीरे से निडल लेफ्ट में डालिए, निडल को डाल दिया आपने, फिर इसे लिफ्टर को डाउन। अब वापस इसे घुमा के चेक करोगे तो निडल लेफ्ट से राइट में आएगी, ये देखिए ये थोड़ा सा अप जा रहा था, इसे थोड़ा ई पे ले लेते हैं, तो अभी डाउन। ओके, तो देखिए निडल अभी कैसे लेफ्ट राइट हो रही है, ये राइट से गई लेफ्ट और लेफ्ट से गई राइट, दोनों होल बराबर चेक करने के बाद एक्सीलेटर स्टार्ट कर दो, तो देखो लेफ्ट राइट हो गया। अभी निडल देखिए वापस लेफ्ट पे आ गई, तो इसे अप करो, हल्का सा पीछे करो, फिर से लेफ्ट में डालो, राइट में चेक करो, कंफर्टेबल है फिर वापस स्टार्ट। डायरेक्ट चालू इसलिए नहीं करना है कि आपका बटन है अपने से कुछ भी धागा है, बटन है सुई टूट सकती है। ये देखिए बटन प्रॉपर लेफ्ट राइट करके यूज होगा। सबसे पहले आपको बटन में रखनी है एफ, हाँ जब राइट साइड के पोर्शन में अगर नहीं जा रही है तो ई कर, फिर भी नहीं जा रही हो तो डी पे कर दो, पर रखो सबसे पहले एफ। ओके, ये हो गया हमारा बटन। आज का ये है गाज का फोर्ट जो हमें बटन होल बनाना है, इसे भी अटैच करने के लिए सेम ऐसे, और रेड वाला पोर्शन हमें से बाहर की साइडेगा, इसे लगा के बाद इसे डाउन, ये लग गया। अब गाज बनाना हो, गाज बनाने के लिए सिलेक्टर पे देखिए फोर स्टेप दिए हुए हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और वापस टू के ऊपर, मतलब फोर, ये फोर स्टेप बटन होल होता है। अभी बनाना कैसे ये बताता हूँ। अभी देखिए ये जो अटैचमेंट अटैच किया हुआ है ये स्लाइडर वाला है, आप अगर इसे इतना आगे रखते हो तो इतना बड़ा होल बनेगा, और छोटा चाहिए तो पीछे कर दो तो इतना छोटा बनेगा, और पीछे गए तो इतना छोटा, मतलब जितना आगे स्क्वायर बनेगा उतना बटन होल बनेगा। एग्जाम्पल मैंने इतना रख दिया, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट से आगे से लेके नीचे तक आएगा, आपको चलाना है यहाँ पे आ जाए, फिर करना है स्टॉप, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी आएगा सेकंड, सेकंड पे देखिए ये नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेफ्ट राइट लॉक, ये लॉक। सेकंड के बाद रखना है वापस थर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ, देखिए ठीक है आ गया लेवल में। ओके, अभी ये देखिए ये फोर फिर से लॉक करेगा। मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ, फर्स्ट पे हमने जब रखा तो नीचे रिवर्स आया, ओके सेकंड पे हमने रखा तो लॉक हो गया, थर्ड पे रखा फिर से ऊपर गया, फोर पे हमने रखा फिर से लॉक। तो ये देखिए इसे कहते हैं फोर स्टेप बटन होल, ये इजीली बटन होल आपका बन गया, बस बीच में से आपको काट के। ये आएगा आपका पीको का फूट। ओके, तो अभी पीको करने के लिए ये यूज करना है, यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया बराबर। ये अटैच करने के बाद पीको के लिए डिजाइन सिलेक्ट करेंगे हम लोग, पी एफ वाली बराबर, जिस पे पीको करना है। कपड़े को यहाँ पे स्ट्रेट रख दिया हल्का फटका बराबर, यहाँ पे स्टार्ट कपड़े को मोड़ते जाना है, मतलब किनारे को खड़ा करके ऑटोमेटिकली आपका पीको हो जाएगा। आपका पीको बार बार मोड़ने की जरूरत है, एक वन टाइम आपको मोड़ना है। ये हो रहा है पीको, कपड़े को ऐसे टर्न करते जाना है, ऑटोमेटिकली पीको होता है, देख सकते हैं देखिए पीको, ये देखिए पीको एकदम गोल शेप में आपका पीको बन रहा है बराबर। तो इसे पीको को ऐसे ही बनाया जाता है, इसे निकाल देते हैं। अभी हम बराबर एक नॉर्मल चीज़ है जो है रफू कहा जाता है, रफू करने के लिए आपको ये फुट अटैच नहीं करना है, इसलिए रेगुलर यूज़ करना है। तो इसे निकाल दो आप, जो रेगुलर हमने यूज़ किया हुआ था पीको के लिए, आप नॉर्मल यूज़ करने के लिए इसे फिर से अटैच कर देते हैं बराबर। अभी किसी जगह पर फटा हो कुछ भी हो तो आप जो रफ करना होता है तो रफ करने के लिए आपको इस बटन का यूज़ कंपलसरी करना है, ठीक है ना। ये बटन इस पे आपको सिर्फ हमेशा सादी सिलाई रख के, जैसे कि यहाँ पे आपका फटा हुआ है तो रेगुलर सिलाई पे रखने के बाद इसे अप डाउन और कपड़े को एडजस्ट करें, कपड़े को जितना गाइड करोगे ये लेफ्ट राइट होता रहेगा इस टाइप का।
ये देख रहे हो, मतलब अप डाउन करोगे तो लेफ्ट राइट होके जितना पोर्शन में आपको रफू करना है उतना रफू हो जाएगा। तो ये है हमारा उषा का प्रिंक मार्वेला का नॉर्मल डेमो। इसके अलावा भी और जो दूसरे मॉडल है उसके भी डेमो हम आपके लिए लेके आएंगे जो कुछ इशू। अब हम आपको बताएंगे ये एक नॉर्मल इशू जो लोगों को बहुत सारा परेशानी दिक्कत होता है वो है शटर। कभी कभी वो मशीन शटर में यहाँ पे ऑयल नहीं करने से धागा फंस जाता है, मशीन जाम हो जाती है। तो ये सबसे खास ध्यान रखिए, अगर आपकी मशीन ब्लॉक हो जाए, घूम ना रहा हो, ये व्हील आपका टाइट हो जाए, घूम नहीं रहा हो, धागा फंस गया, इसकी वजह से टाइट हो जाता है, मशीन जाम हो जाती है, तो सबसे पहले ये बॉबिन केस को निकाल दो। बॉबिन केस को निकालने के बाद ये दो ब्लैक दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, इसे भी लेफ्ट साइड क्लिक करो, इसे राइट साइड क्लिक, स्विच को ऊपर करके ये जो शटर वाले पीने इसे खींचो। ये देखिए दो शटर बाहर आ गए। ओके, हमेशा कभी भी आप ऑयल नहीं करोगे ना तो बार बार आपका धागा टूटेगा और मशीन आपको ही नॉइस करेगी, तो हमेशा ऑयल करने के लिए इसे निकालना पड़ेगा, धागा फंसेगा तो भी निकालना पड़ेगा। अभी आप पहले क्लीनिंग करो और ऑयल करो, बॉडी में कहीं पर ऑयल करना नहीं, ओनली फॉर आपको शटर में ऑयल करना है, तभी इसे बिठाना कैसे, तो बिठाने के लिए मशीन इतना क्रॉस होगी और ये जो कैरियर अंदर घूम रहा है ना सी पोजिशन में दिख रहा है आपको, ये इसे इस पोजिशन में रखना है। अभी इसके अपोजिट को ये वाला शटल रखना है, जो शटल है इसके अपोजिट के पोर्शन में रखना है, यहाँ पे इसे ठीक है। फिर रखने के बाद ये जो ये रिंग है फुल, ये फुल की रिंग में पीछे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट और ये दो फेसी, ये हमेशा बाहर की साइड है और ये छत वाला भाग है ये अंदर जाएगा, इसे ऐसे पकड़ के इजीली ऐसे रख दो, हो गया। और ये दोनों चीज़ों को ऐसे ये होगा, मतलब कभी भी आपकी मशीन जाम हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप ही खुद ही इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑयल पोर्शन, बाकी कहीं पर ऑयल करना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और अच्छा लाएंगे। थैंक यू। इस अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।